माउंटेन्स में जाना मुझे हमेशा अच्छा लगा है। मैं माउंटेन्स में बहुत घूमा हूँ, चाहे वो हिमाचल हो, वो कश्मीर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, और मुझे बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है, स्नो बहुत अच्छी लगती है, ग्लेशियर बहुत अच्छा लगता है, पर ना जाने फिर भी मैं एक स्कीइंग से हमेशा डरता था। मुझे लगता था इतनी हाइट से, इतनी तेज़ी से आप स्कीइंग करके आते हो, बैलेंस करके आते हो, कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो कहते हैं ना कि हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे आप डरते हो, तो इस बार मैंने सोचा है कि जाके स्कीइंग सीखी जाए और प्रॉपर स्कीइंग सीखी जाए। तो आज मैं निकल रहा हूँ कजाकिस्तान के लिए। कजाकिस्तान में मैं अलमाती जा रहा हूँ। अलमाती से 25 किलोमीटर दूर एक स्कीइंग रिजॉर्ट है शिम्बुलक के नाम से। सुना है कि बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है, इनफैक्ट 2020 के विंटर ओलंपिक्स होने की वहाँ बात चल रही थी, पर अब नहीं हो रहे हैं, पर काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, तो वहीं जाके रहा जाएगा, वहाँ स्कीइंग सीखी जाएगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:20, 12:30 बजे मेरी फ्लाइट है, तो मुझे निकलना होगा। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, अब मुझे फटाफट बोर्डिंग पास कलेक्टर ने जाना है। सो आई जस्ट अराइव्ड एट अलमाती। अलमाती पहुंच गया हूं। अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूं। चारों तरफ बर्फ़ है, थोड़ी फिसलन भी है सड़क पे, यहां से चलना पड़ रहा है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा यहां हॉस्टल कौन सा है। रात हो, वैसे तो शाम हो रही है, पर यहां रात लगते जल्दी हो जाती है। ड्राइवर ने यहीं कहीं बताया था कि यहीं पे हॉस्टल मिल जाएगा, ये तो कुछ रेस्टोरेंट है, देखते हैं, होना ही चाहिए। गूगल मैप भी यही बता रहा है, यहीं कहीं है हॉस्टल। जितनी बर्फ है उतनी ठंड नहीं है। वैसे तो मेरे को शिम्बुलक जाना है कल सुबह, वहां पे ठंड होगी, पर बर्फ है। मैंने एक जैकेट पहनी हुई, एक स्वेटशर्ट पहनी हुई है, और ये मैं दिल्ली से ही पहन के आया था। दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा ठंड है, पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, ये लगता है यही हॉस्टल है। हॉस्टल मिल गया है, तो चलें हॉस्टल के अंदर चलते हैं। हॉस्टल मिल गया है, हॉस्टल काफ़ी बढ़िया लग रहा है बाहर से। अब रूम देखते हैं। ये लोग भी मेरा पासपोर्ट लेके एंट्री कर रहे हैं, यहाँ मैं एक रात के लिए ही हूँ। काफ़ी अच्छा हॉस्टल लग रहा है। मेरे साथ यहाँ चार लोग और हैं। 450 रुपये में ये काफ़ी अच्छा रूम है, आप देख सकते हैं, टू वॉल कारपेट है। इवन हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। अब मेरे को भूख लग रही है, मैं यहाँ पास में ही, यहाँ का मॉल है टॉसिक प्लाजा, वहाँ जाना हूँ कुछ खाने के लिए। ओके चलिए। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, मुझे पास में टॉसिक प्लाजा जाना है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। कुछ कुछ ठंड तो लगनी शुरू हो गई है।
वो रहा पास में टॉस्टिक प्लाजा, लोकेशन काफ़ी अच्छी है इस हॉस्टल की। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे सबसे अच्छा मॉल है वो आप देख सकते हैं सामने टॉस्टिक प्लाजा। ये यहाँ का सबसे मशहूर मॉल टॉस्टिक प्लाजा। शहर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। डे टू, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्नोफॉल हो रही है। अभी मुझे शिम्बुलक स्की रिज़ॉर्ट जाना है और मैंने उबेर की है। यहाँ उबेर बहुत सस्ती हैं, बिल्कुल इंडिया वाले रेट्स हैं। मतलब शिम्बुलक स्की रिज़ॉर्ट यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा और करीब मेरे को 400-450 रुपया खर्चा आएगा। वैसे तो यहाँ बस भी चलती हैं पर चूँकि अभी स्नोफॉल हो रही है और थोड़ा लेट भी हो गया हूँ तो मैंने कहा ठीक है उबेर कर ली जाए। अभी मैं ड्राइवर को देखने जा रहा हूँ, थोड़ा वो आगे रुक गया है, उसको लेके आएंगे, फिर सामान भी लेके आना है। Can you come inside for the luggage? Шлагбаум, шлагбаум, чувак, откройте. Нет, там частных машин, там запускают только скорую, поэтому... Sorry, this is... Okay, I'll get luggage here. Special cars, Nova. Okay. Thank you. Jaisa Mohatar ne bataya, लोग काफ़ी हेल्पफुल मिले अभी तक, जितने मिले दो अभी मेरा 24 घंटे भी नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए, तो कहना थोड़ा जल्दी होगा पर लोग हेल्पफुल हैं, आगे बढ़ के आपकी हेल्प करते हैं। अच्छी ठंड हो गई है, कल रात से ज़्यादा ठंड है। टैक्सी में बैठ गए, अब शिम्बुलक चल रहे हैं। टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी में काफ़ी गर्मी है। 90 मिनट्स लगेंगे शिम्बुलक पहुंचने में, 11:30 तक पहुंचेंगे। थोड़ा लेट हो गया हूँ आज मैं, पर कोई बात नहीं। ये मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं। मिथुन चक्रवर्ती या मिथुन चक्रवर्ती या मिथुन चक्रवर्ती, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, काफी फेमस हैं, लोग देखते हैं उनको। वैसे मैंने अपनी सीट चेंज कर ली है, अब मैं फ्रंट सीट पे आ गया हूँ क्योंकि बाहर का व्यू देखिए आप। देखिए शहर बहुत सुंदर है। हमने इनकी फरमाइश में मिथुन चक्रवर्ती का सॉन्ग चला दिया है। यहाँ पे लोग मिथुन चक्रवर्ती को बहुत पसंद करते हैं और वही सॉन्ग सुनते हुए हम जा रहे हैं। देखिए कितना बहुत बड़े फैन हैं यहाँ मिथुन चक्रवर्ती के कई लोग। कल भी मैं एक और जनाब से मिला था, वो भी टैक्सी अब छोड़ के अब कंडोला लेके शिम्बुलक जाना पड़ेगा। यहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा सा स्लिपरी भी है।
गाड़ियों से यहीं तक अलाउड है। बहुत ही खूबसूरत। शिमलक तक पेट्रोल की गाड़ियां अलाउड हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ या तो इको बसें चलती हैं या फिर आपको यहाँ से गोंडोला लेके ऊपर तक जाना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ गोंडोला की टिकट लेने। शिम्बुलक, शिम्बुलक पहुंच गया हूं। ये जो मेरे पीछे गोंडोला है, इस गोंडोला से आया था। काफी चहल पहल है। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अब मेरे को अपना स्की रिजॉर्ट ढूंढना पड़ेगा। पहले वहां जाके सामान रखता हूँ और कुछ नाश्ता करता हूँ। पर जगह बहुत खूबसूरत है। ये वो हॉस्टल है जहाँ मुझे अब 8-9 दिन रहना है। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। अभी बहुत भीड़ नहीं लग रही है क्योंकि वीकडे है, शायद वीकेंड्स पे काफ़ी हो जाएगी। थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि हाइट है, ऑल्टीट्यूड है। चलिए वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, तो मैंने एक राइस ऑर्डर की है और एक कुछ इनका बॉयल्ड पोटैटोस थे वो साथ में ऑर्डर किए, एक कॉफ़ी ऑर्डर किए साथ में। जैसा आप देख सकते हैं वेजिटेरियन होना थोड़ा सा टफ है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मेरा लंच है। बहुत ढूंढने के बाद सिर्फ ये दो चीज़ें मिली जो वेजिटेरियन है। ये कुछ फिंगर चिप्स टाइप हैं, फ्रेंच फ्राइज अलग तरीके से, और ये प्लेन राइस। चलिए, देखने में तो अच्छी ही लग रही है। अब मैं स्कीइंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ सेंट्रल एशिया का काफ़ी बड़ा स्की स्कूल है, वहाँ से आप स्की इंस्ट्रक्टर्स को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए आप उनसे इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बर्फ को साफ करने का काम चल रहा है। स्की पैंट ले लिए, अब स्की करने जा रहा हूँ। थोड़े से शूज पहली बार पहने हैं, आई डोंट नो कि मैं ठीक से चल पा रहा हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ, काफ़ी भारी है। चूँकि ये बिगिनर लेसन है आज, तो आज मैंने हेलमेट नहीं लिया है क्योंकि आज नीचे स्लोप पे रखेंगे। स्कीज काफ़ी भारी है, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से, थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि अच्छी हाइट पे है। पर क्या गजब की स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं,
हर चीज का ध्यान रखा गया है। इवन आप रोड देखेंगे कितनी चौड़ी रोड्स हैं। और आप भी देख ही सकते हैं कितनी बेहतरीन स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा ऊपर तक देख के आते हैं क्या है, मतलब कमाल है ना कि रात को भी इतनी हाइट पे, इतनी बर्फ में भी स्ट्रीट लाइट्स कितने अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे शहरों में तो हम प्लेन्स में रहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स चलें ना चलें कुछ नहीं कह सकते। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ये बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। मतलब देखिए इतनी हाइट पे है फिर भी स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, बढ़िया रोड्स हैं। एक बात है, कजाकिस्तान कहने को तो बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया का 2/3 है, पर पॉपुलेशन के मुकाबले में दिल्ली से भी कम लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी ही बर्फ मैंने करीब 10-12 साल पहले मैं मुंशियारी गया था, वहाँ देखने को मिली थी, और अब यहाँ बहुत ही बढ़िया। मैंने यहाँ अलमाती में है जूते लिए थे बर्फ़ के लिए स्पेसिफिकली, और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। देखिए मैं कितने आराम से बर्फ़ पे चल पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं फिसल रहे हैं। ऐसी जगह आना हो तो प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहिए, आपके पास शूज़, गियर, कपड़े, प्रॉपर तैयारी के साथ आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसी जगह का आनंद उठा पाएंगे। बिल्कुल बर्फ़ मेरे मुँह पर आ रही है, क्या बात है, क्या बात है।